या देश और संविधान में क्या ऐसा भी कोई कानून है? मैं चाहता हूं कि देश विदेश में लाखों लोग नौकरी करने वालों को वोट डालने का हक मिलना चाहिए। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो अमेरिका हो, सऊदीया हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, रसिया हो, कोई भी कंट्री में हो, वो बेचारे यहाँ नौकरी करते हैं, साल साल, दो दो साल, छः छः महीने हो जाते हैं, वो इलेक्शन के टाइम पे नहीं जा सकते। मुसीबत है कि साल छः महीने का अग्रीमेंट होता है, वो नहीं जा सकते और इसी टाइम पे इलेक्शन चालू हो जाता है। हालांकि उनका अधिकार है वोट डालने का, मगर वो वोट नहीं डाल सकते क्योंकि उनका टाइम नहीं पूरा हुआ, कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, जॉब नहीं जा सकती है, तो बड़ी मजबूरी है, अब वो वोट नहीं डाल सकते। तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुजारिश करता हूँ कि गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून लेके आए, ऐसा कोई सिस्टम लेके आए जो मोबाइल में, आज के दौर में हर आदमी मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो मोबाइल में कोई ऐसा सिस्टम लेके आए डिजिटल, जिसका नाम हो डिजिटल हो, या कोई प्लेटफार्म ऐसा लेके आए, ऐप लेके आए जिसको हर आदमी अपने मोबाइल में डाउनलोड करे और कोई भी कंट्री में हो, चाहे वो अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, कहीं भी हो, खास करके तो अपने इंडिया में ही देख लो, एक एक स्टेट का दूसरे स्टेट में हो तो भी वोट नहीं डाल सकता। विदेशों का तो छोड़ो, विदेश में तो खैर जा नहीं सकते, मगर इंडिया में ही रह के इंडिया में वोट नहीं डाल सकते। बिहार के तौर पे कोई बिहार का है तो बिहार जाएगा तो फिर वोट डाल सकता है, अगर वो दिल्ली में नौकरी कर रहा है तो दिल्ली से वो जाएगा नहीं, अगर कोई बम्बई में है, यूपी का है, तो यूपी जाएगा तो वोट डाल सकता है, कोई अहमदाबाद में है, कोई हैदराबाद में है, कोई गुजरात में है, कोई मारवाड़ी में है, तो हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम है। तो ऐसा गवर्नमेंट कोई कानून लेके आए कि कहीं भी कोई भी नागरिक हो वो वोट डाल सके और अपने मोबाइल से वोट डाल सके और उसी दिन डाल सके जिस दिन उसके स्टेट में इलेक्शन हो रहा। ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन ख़त्म हो जाए फिर वोट डाले, नहीं, उसी दिन वोट डाले जिस दिन उसके एरिया में उसके एमपी विधायक जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसको चाहे वो अपने हिसाब से वोट डाल सके। ऐसा कोई ऐप लेके आए जो मोबाइल में बड़े आसानी से डाउनलोड करे और उसी दिन वो अपने एमपी एमएलए को या किसी को वोट दे सके आज़ादी के साथ। मैं गवर्नमेंट से ये कहता हूँ, जितनी छोटी बड़ी पार्टियाँ हैं और देश में रहने वाले हैं, सबसे मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसा भी सिस्टम होना, उससे फ़ायदा क्या होगा कि गवर्नमेंट का भी बड़ा फ़ायदा होगा और जो आवाम है, जो नागरिक है, उनका भी बड़ा फ़ायदा होगा कि यार हम भी अपने मनचाहे नेता को, विधायक को वोट डाल सके और गवर्नमेंट बनने में बड़ी बड़ी आसानी होगी। लाखों करोड़ों लोग इधर अमेरिका, जर्मनी, सऊदीया अरबिया और दुबई में रहते हैं, वो बेचारे वोट नहीं डाल सकते, तो उनका भी भला होगा, गवर्नमेंट का भी भला होगा और जिसको चाहे वो अच्छी, देखो हम गरीबों को क्या चाहिए, हम गरीबों को चाहिए एक अच्छी सरकार चाहिए जो गरीबों को अच्छी स्वास्थ्य और अच्छी एजुकेशन और स्वास्थ्य और अच्छी भविष्य दे सके, हमें ऐसा नेता चाहिए। हम भी यही विचार करते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जिससे कोई भला हो देश का, हमारा भी भला हो, देश में सारी खुशहाली हो, परेशानियां ना हो। तो मैं गवर्नमेंट से यही कहता हूँ और छोटी बड़ी जितनी पार्टियाँ हैं, चाहे वो देश में आम नागरिक हो, चाहे कोई पढ़े लिखे हो, सबसे मैं करता हूँ कि ये कानून गवर्नमेंट इंडिया में होना चाहिए जिससे हर इंसान अपनी वोट डाल सके, कोई भी स्टेट में हो या कोई भी सरकार में हो, या कोई बिहार में हो, पटना में हो, झारखंड में हो, यूपी में हो, दिल्ली बम्बई में कहीं भी हो, वो नहीं आ सकता, जॉब का मसला है, नौकरी नहीं छोड़ सकता, वो नौकरी छोड़ देगा तो मसला है, तो वो वोट अपने मोबाइल से वो किसी भी स्टेट को डाल सकता है। ये गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें होना चाहिए और सरकार की भी बड़ी फ़ायदा है और आम नागरिक का भी बड़ा फ़ायदा होगा। और ख़ास करके मैं चाहता हूँ कि जितने पढ़े लिखे और मंत्री लोग हैं उनसे भी यही ख्वाहिश है। मेरा कुछ सवाल है सभी छोटी बड़ी पार्टियों से, क्या देश और संविधान में ऐसा भी कोई कानून है